हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यम्मी टम्मी किचन्स। आज हम बनाने जा रहे बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी, इमली की खट्टी सी मीठी सी चटनी, वो भी बिना इमली को फुलाए हुए, उसका बिना पल्प निकाले हुए। ना तो हम इसमें इमली को फुलाएंगे, ना ही पल्प निकालेंगे, बट हाँ, इमली का यूज़ ज़रूर करेंगे। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग सी रेसिपी को देखते हैं। घर पर बनाना हो ढोकला, या बना रहे हो दही बड़ा, या आप बनाएं चाट पुचका, इसको ज़रूर यूज़ करें। एक बार बनाएं, सालों साल स्टोर कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। एक हम बर्तन लेंगे, उसमें एक टेबल स्पून डालेंगे ऑयल, रिफाइंड ऑयल, और हाफ टी स्पून डालेंगे ज़ीरा, पिंच हींग डालेंगे। हींग ज़रूर डालें, बहुत अच्छी सी फ्लेवर आती है इमली की चटनी में। अब यहाँ पे हम डालेंगे 250 ग्राम के करीब, 250 से 300 ग्राम गुड़ ले लें, और गुड़ को इस तरह से डाल के थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करें, और बाकी जो गुड़ बची हुई है उसे भी हम इसमें डाल देंगे और इसे एक उबाल आने देंगे। इस तरीके से हमें गुड़ को पिघलाना है, खुद ब खुद ही पिघल जाती है। देखिए, बहुत जल्दी ही से ये पिघल जाती है, पिघलना शुरू हो गई है। इस तरीके से ये पूरी पिघल जाएगी। जब ये पिघल जाए, अब हमें डालना है इसमें यही इंटरेस्टिंग सी टैमरिंड की पेस्ट, इमली की पेस्ट। ये मार्केट में बहुत सारे ब्रांड में अवेलेबल है। इसे हम डालेंगे एक बड़ी चम्मच, खटाई आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ले। अब हम इसमें डालेंगे भुना हुआ ज़ीरा एक टीस्पून, हाफ टी स्पून से कम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और चुटकी भर ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ टी स्पून चाट मसाला पाउडर, और हाफ टी स्पून काला नमक पाउडर। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब गैस को हम बंद कर देंगे, क्योंकि ये ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है और बाद में ये थोड़ी थिक हो जाएगी। तो हम इसे ठंडा कर लेंगे, और ठंडा हो जाने के बाद इसे स्टोर कर लेंगे। तो है ना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी। इसमें कोई झंझट नहीं है, ना तो हम इमली को फुलाना है, ना तो उसका गुद्दा निकालना है। बिना पल्प निकाले हुए हम आसानी से इसे तैयार कर सकते हैं, और कभी भी इंस्टेंटली भी तैयार कर सकते हैं। गुड़ को पिघलाएंगे, थोड़ी थोड़ी सी ये सब मसाले डालेंगे और इमली की पेस्ट डाल देंगे, तो बहुत ईजी बनकर तैयार होती है। और किसी भी स्नैक्स में हम इसे यूज़ कर सकते हैं, सारे स्नैक्स में, ढोकला, दही बड़ा, चाट, फुचका, सब में, जिसमें आपका मन चाहे। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।